जी, बेटे की सफलता की सूचना मिलकर कैसा आपको अरे बहुत अच्छा लगा, हर आदमी को अच्छा लगता है और भगवान से ही कामना है कि और ऊंचाइयाँ छुए। हाँ, वो इसलिए कि चूंकि बचपन से मेधावी था, मेहनती था और मेहनत करता था और हाई स्कूल से लेकर के कक्षा 8 से अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई उसको हमेशा चैलेंज के रूप में लेता था और एक एक नंबर के लिए हमेशा विचार किया करता था, प्रयास किया करता था, तो उसी का परिणाम है ये यहाँ तक पहुँचना, आगे भी पहुँचेंगे। देखा, आपको पता चला, सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा आपका? रिएक्शन में तो खुशी तो हुई क्योंकि मैंने जो है मेहनत की थी और मुझे अगर सफलता मिलती है, किसी को भी सफलता मिलती है तो वो जरूर खुश हो जाता है और फैमिली वाले भी सब कोई खुश था तो सभी लोग। इस कामयाबी के पीछे आप सबसे बड़ा योगदान किस चीज का मानते हैं और क्या वो कारण है जिनको आप मानते हैं जिनकी वजह से आप इस स्थान पर पहुंचे हैं? तो सबसे पहले जो है किसी भी चीज़ में सफलता के लिए सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली का ऑलवेज सपोर्ट मुझे रहा है। मैं चाहे जो भी करूँ वो मुझे ऑलवेज गाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट रहा है, फिर साथ में मेरे सीनियर्स लोगों ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें गाइड किया तो मैं उनका भी योगदान रहा। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपने जो भी सफलता अर्जित की है उसमें आप फ्यूचर को किस लिहाज से देखते हैं, कि आपका IAS ही फाइनल डेस्टिनेशन था कि कुछ और फर्दर आपका एम है? अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो IAS को तो मैं ज्वाइन करूंगा ही, फिर जो है एक बार ही ज्वाइन करके फिर देखते हैं कि उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं उसके बाद, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मैं एटलीस्ट इतना तो मानता हूँ कि मैं इसको ज्वाइन करूँगा ही, उसके आगे फिर फ्यूचर को किसी ने देखा नहीं पता। तो आपको जो है ये तो जो बेसिक है उसको अच्छे से समझना है और फिर ये समझना है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत बड़ा जरूरी, क्योंकि UPSC के एग्जाम में सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है कि आप अगर किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ सूर्यकांत मिश्रा, जिन्होंने कल ही घोषित हुए IAS के परिणामों में रैंक हासिल की है। अगला लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवा है। हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्द से जल्द रायबरेली का भी नाम रोशन करें और IAS में भी ये